फ्रेंड्स, ये बॉटल है जिसका ढक्कन टूट गया है और वो थोड़ा उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ गया है, तो घर में यूज़ करने के लायक नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका हैंगिंग पॉट बना दूँगी। तो आइए दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ ऐसे सेंटर से कट कर रही हूँ कटर लगा के। देखो फ्रेंड्स, तो ये आधा मैंने कट करके रेडी कर दिया है। तो ये हैंग करने के लिए मैंने तीन होल कर दिया है, दो, और दिस इज थर्ड वन, और बॉटम में पानी निकलने के लिए कर दिया है। अब मैं इसको हैंग किससे करूँगी, देखो ये मेरा ईयरफोन है विच इज़ नॉट वर्किंग नाउ, सो मैं इसका यूज़ करूँगी हैंग करने के लिए। तो ये ईयरफोन था, उसमें से हमने ये सब कट कर दिया है, सिर्फ वायर निकाला है। ये दो दो वायर है, उसको भी हम अलग कर देंगे और सेंटर से कट कर देंगे, तो हमें चार पीस ऐसे मिल जाएंगे हैंग करने के लिए। नाउ विल हैंग। तो ये हमारा हैंगिंग पॉट रेडी हो गया है। हमारा हैंगिंग पॉट रेडी हो गया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको हैंग कर देंगे। सो ये हैंगिंग पॉट की तरह मैंने ये स्पाइडर प्लांट है उसको भी ऐसे पतंजलि की बॉटल में लगाया है। देखो ये भी कितना हेल्दी हुआ है। उसके अलावा ये मेरा मग जिसमें छोटा हल्का सा क्रैक आ गया था, जो किचन में तो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन गार्डन में, उसमें भी मैंने ये स्नेक प्लांट लगाया है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ कम आउट। ये हमारा लैम्प था जो उसके ऊपर का ये जो बॉडी रहता है वो निकल गया था, तो वो भी यूज़लेस था, उसमें भी मैंने ये स्नेक प्लांट लगा लिया है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे वेस्ट बॉटल्स या वेस्ट कंटेनर में से ऐसा पॉट बना के प्लांट लगा सकते हो और ग्रीनरी को बढ़ा सकते हो। देखो ये मेरा मिनी गार्डन है जो आपको मैं एक बार फिर से पूरा इसका अच्छे से शूटिंग लेके बताऊंगी। यहाँ मेरे वहाँ अरवी लीव्स हैं, बनाना है, फिर एवोकाडो का ये बड़ा ट्री है, फिर मेरे वहाँ ये पपीता है, फिर ये नीम है जो खाने में लेते करी लीव्स, उसके अलावा ये मेरा सुपारी का झाड़ है बहुत बड़ा। तो सब मैंने ईटेबल आइटम्स ज़्यादा लगाई है। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा किचन गार्डन खड़ा कर सकते हो। मैंने मेरे एवोकाडो ट्री के ऊपर नेल लगा के इसको हैंग कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई आइडिया प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सुपर सहेलिया।